शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण नजर आ सकते हैं एक बार फिर एक फिल्म में। कौन सी फिल्म होने वाली है, ये कौन डायरेक्ट करने वाला है, चलिए आपको बताते हैं सब कुछ। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, जिन्होंने अपने करियर का डेब्यू शाहरुख के साथ किया था ओम शांति ओम से, उसके बाद से लेकर आज तक लोग इन दोनों की जोड़ी को पर्दे पर खूब सराहते हैं। ऐसे में हाल ही में ये खबरें आ रही हैं कि दीपिका पादुकोण नजर आ सकती हैं यशराज की एक फिल्म में, जिसमें ऑपोजिट उनके नजर आएंगे नन अदर देन किंग खान। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि अभी दीपिका को ये स्क्रिप्ट जो है यशराज की तरफ से भेजी गई है और वो पसंद भी आ चुकी है उन्हें। हालांकि अभी तक दीपिका ने हाँ नहीं करी है, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई है और वो जल्द से जल्द शायद हाँ कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं दीपिका और शाहरुख को एक साथ देखने के लिए फैंस सुपर डुपर तरीके से एक्साइटेड है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म होने वाली है, ये लॉकडाउन के बाद जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा उसके बाद उस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। और उसके साथ साथ ये भी बता दूं आपको कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं सिद्धार्थ आनंद। जी हाँ, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब सिद्धार्थ आनंद है वो डायरेक्टर जिन्होंने वॉर डायरेक्ट की है, वॉर भी यशराज के बैनर के अंडर बनी थी। तो इस फिल्म के लिए बहुत सारी एक्साइटमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। आप लेकिन क्या कुछ कहना चाहते हैं आप हमें बताइए दिए गए कॉमेंट सेक्शन में।